एंड स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ केस, जिसको हिंदी में हम लोग कारक बोलते हैं। हम लोगों को सबको मालूम है कि कारक हिंदी में 8 होते हैं, ठीक है, जो आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं और वर्ब हैं, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबको एक दूसरे से कनेक्शन या रिलेशन आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ केस के बारे में, केस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ केसेस आर देयर इन इंग्लिश। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूजेटिव केस। थर्ड वन इज पोजेसिव केस, जिसको हम लोग जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और फोर्थ नंबर में आपका वोकेटिव केस, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि केस होते क्या, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस में जो है हम लोग कोशिश करेंगे इसको किस तरह से इसका जो है रिलेशन हम दिखा पाते हैं। यहाँ डेफिनेशन देखिए, जैसे हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड केस। केस क्या होता है कि वो सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कभी कभी होते हैं, तो इन 3-4 चीज़ों के बीच में आपस में संबंध क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ किस तरह से रिलेशन है, वही हम लोग केस में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ जो है बहुत आसानी से हम आसान लैंग्वेज इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ देर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ केसेस। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में जो है मेनली 4 काइंड्स ऑफ केसेस होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में क्या है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्ब्स टू बी इन नॉमिनेटिव केस। अगर किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि वो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, या सब्जेक्ट कौन है, राम एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो राम आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं, राम आम खाता है, तो कौन आम खाता है, राम आम खाता है। राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, राम ने, किसको मारा, राम को। तो राम सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा। रावण ऑब्जेक्ट है, जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि का इस तरह का जो भी संबंध आपको बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केस। उसके बाद देखते हैं सेकंड में आपका ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसका, अदर नेम। अनदर नेम ऑफ ऑब्जेक्टिव केस इज एक्यूजेटिव केस। उसमें क्या है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। उसको ऑब्जेक्टिव केस नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, तो ऑब्जेक्टिव केस को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स योर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उस सेंटेंस का मीनिंग समझने में थोड़ी हमको परेशानी होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है राम ईट्स, तो राम ईट्स के बाद क्या होता फिर, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स हिज मिल, राम ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, क्या होता है? तो यहाँ कंप्लीट नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट जो है इंडिस्पेंसिबल पार्ट है सेंटेंस का, सेंटेंस को कम्प्लीटली समझने के लिए। तो ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग जनरली नॉन ह्यूमंस को रखते हैं, लाइक मैंगो, पेन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। और इनडायरेक्ट में हम लोग ह्यूमंस को यूज़ करते हैं, ह्यूमंस ऑब्जेक्ट को, लाइक हीज, लाइक हिम, हर, देम, अस, देयर। तो ये सारे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे करते हैं आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड वन आपका है आपका पोजेसिव केस। पोजेसिव का मतलब होता है आप जो है किसी चीज़ को जानने से पहले उस वर्ड का मीनिंग को समझिए, ठीक है। तो पोजेसिव मतलब जो वर्ड है वो पोजेस से बना है। पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार करना, ओन करना। तो व्हेन अ नाउन सब्जेक्ट और अ प्रोनाउन शोज पोजेशन, इट इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस। कोई भी नाउन या सब्जेक्ट जो है
अगर किसी प्रकार का पोजिशन दिखाता है, हम लोग एक एपोस्ट्रॉफ एस से दिखाते हैं। एपोस्ट्रॉफ एस का मतलब होता है, देखिए एस के बाएं तरफ ऊपर में जो है एक कॉमा होता है, सिंगल कोट, जिसको हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ एस। लाइक दिस इज राम्स कार, यह राम की कार है। ठीक है, तो ये किस केस में? पजेसिव केस में बता रहा है, राम जो है वो पजेसिव केस में बता रहा है, राम्स कार। दिस इज मोहनस पेन, मोहन सिस्टर। तो इस तरह के जितना भी हम लोग हैं वो हम लोग जो है दिखाते हैं आपका पजेसिव केस। वोकेटिव केस हम लोग डिस्कस करते हैं। वोकेटिव केस एक्चुअली एक जिसको हम लोग हिंदी में संबोधन कारक कारक कहते हैं, संबोधन यानी किसी को एड्रेस करना, किसी को बुलाना। लाइक हम बुलाते हैं राम कम हियर, तो राम कम हियर अगर हम इस सेंटेंस को लिखते हैं तो राम के बाद हमेशा याद रखना है कि हमको कॉमा लगाना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और कम नहीं होना चाहिए, कम्स होना चाहिए। राम कम्स हियर, राम यहाँ आता है, तो यहाँ इसका मतलब राम यहाँ आता नहीं होगा, यहाँ इसका मतलब है राम यहाँ आओ, यानी कि हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ यूज फॉर अ नाउन दैट आइडेंटिफाइज द पर्सन बींग एड्रेस्ड। ये एनिमल भी हो सकता है, अगर किसी पर्सन को हम एड्रेस करके हैं, उसको बुलाते हैं, संबोधन जैसे होता है, तो उस तरह से अगर हम करते हैं तो ये होता है आपका वोकेटिव केस। वोकेटिव केस आपका दो तरह का होता है, होता है डायरेक्ट वोकेटिव केस और एक होता है इनडायरेक्ट वोकेटिव केस। डायरेक्ट वोकेटिव केस में जो एड्रेसी है, वन एड्रेसी इज ऑब्वियस और क्लियरली मैंसनड। एड्रेसी मतलब होता है जिसको हम बुला रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, वो होता है एड्रेसी। तो राम कम हियर, राम कॉमा कम हियर, इसका मतलब है कि हम किसको बुला रहे हैं, राम को बुला रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेसी जो है मेंशन है, क्लियरली हम समझ रहे हैं कि हम राम को बुला रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसे फ्रेजेस मिलते हैं जिसमें एड्रेसी जो है क्लियर नहीं होता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट वोकेटिव केस बोलते हैं। लाइक व्हेन एड्रेसी इज़ नॉट क्लियरली मेंशन और हिडन, लाइक कम हियर, आप किसको बुला रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो में केस समझ में आए, आपके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।